हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 6 जीके कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या क्या कर लिया था। टर्म 1 हमने स्टार्ट किया था और यूनिट 1 हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, जिसका नेम था फ्लोरा एंड फौना। तो सबसे पहले हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर नंबर 3 भी हमने कम्प्लीट कर लिया था। आज हमें क्या करना है, चैप्टर नंबर 4। इन सारी वीडियोज की जो लिंक रहेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चैप्टर नंबर 4 हमारे किस पेज पर है, 8 और 9 पेज पर पे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर का नेम क्या है, चैप्टर नंबर 4 का नेम क्या है, द वर्ल्ड ऑफ फिशेस, है ना, जो दुनिया है फिशेस की उसके बारे में है। ठीक है, तो इसको हम पहले रीड करते हैं। हाउ फैसिनेटिंग इट इज टू सी फिशेज ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर स्विमिंग इन अ वाटर। कितना अच्छा लगता है कि जब अलग अलग तरह की जो फिशेज वगैरह रहती हैं, ये क्या करती हैं, स्विम करती हैं वाटर में, अलग अलग शेप्स की, है ना, अलग अलग, कितनी ब्यूटीफुल होती हैं वो। देयर आर न्यूमरस स्पेसीज ऑफ फिशेज इन द वर्ल्ड, है ना, यहाँ पे इतनी बहुत ही ज्यादा तरीके की स्पेसीज हैं, बहुत तरह तरह की फिशेज जो है ना वो हमें मिलती हैं वर्ल्ड में देखने को। एंड देयर साइंटिफिक स्टडी इज कॉल्ड इकेटोलॉजी, है ना, इस्टोलॉजी इसको पढ़ लेना। तो इनकी जो फिशेज की स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, जो इसकी स्टडी होती है फिश की, इसको हम इस टर्म से बोलते हैं ना, इस्टोलॉजी। इसके बाद लेट अस नो अबाउट सम इंटरेस्टिंग स्पेसीज ऑफ फिश। तो चलो अब हम पढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्पेसीज जो फिश की हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस फ्रेश वाटर फिश इज नेचुरली ग्रीनिश ब्राउन और ग्रे। ये जो फ्रेश वाटर में ये क्या रहती है, ये फिश रहती है और ये ग्रीन ब्राउनिश और ग्रे कलर की होती है। हाउएवर इट्स अदर स्पेसीज में भी ब्लैक स्पॉटेड गोल्डन, और इसी की अलग अलग जो स्पेसीज रहती हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर की हमें देखने को मिलती है, जो कि ब्लैक कलर, गोल्डन कलर, वाइट विद सिल्वर कलर, इस तरीके की रहती है ना। ये कहाँ पर मिलती है हमें देखने के लिए, ईस्ट एशिया में, बट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू मेनी अदर एरियाज, और अलग मीन जनरली हमें ईस्ट एशिया में देखने को मिली है, लेकिन और भी अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हमें देखने को मिल जाती है। पीपल लव टू कीप इट इन द एक्वेरियम, है ना, आपने देखा होगा ये फिश जो रहती है ना वो जनरली एक्वेरियम में हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर हम एक केस टाइप का रहता है, जहाँ पे हम एक्वेरियम, तो आप जानते होंगे ना, उसमें हम फिश रखते हैं। तो ये कौन सी फिश है, ये हमारी है गोल्ड फिश। कौन सी है, गोल्ड, GOLD गोल्ड फिश, FISH। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे हेल्प बॉक्स, हाँ हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, तो डी वाला हो जाएगा, गोल्ड फिश। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाते हैं। तो सेकंड वाले का आंसर है, दिस ब्राइट कलर फिश हैज स्पाइन विच रिसेंबल सर्जन स्क्रैपल, है ना, इसमें इस वाली फिश में स्पाइंस वगैरह रहते हैं, है ना, जो विच रिसेंबल सर्जन स्क्रैपल्स। The spines are located on either side of the tail. Spines जो रहते हैं वो कि दोनों साइड टेल के रहते हैं, बेस एंड कैन प्रोड्यूस डीप कट्स, है ना, और इसकी वजह से उनको डीप कट्स मिलते हैं। इट इज फाउंड इंडो-पैसिफिक और एटलांटिक रीजन, इंडो-पैसिफिक और एटलांटिक रीजन में ये हमें फिश देखने को मिलती है। तो इस फिश का नेम क्या है, इस फिश का नेम है सर, देखो यहाँ पे लिखा होगा ये वाला, जी वाला, सर्जियन फिश, SURGEON FISH, सर्जियन फिश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी सेकंड का आंसर। अब थर्ड वाला देखेंगे, इट इज नेटिव टू नॉर्थ ईस्ट साउथ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है, लेकिन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हमें ये देखने को मिल जाती है। दिस कलरफुल फ्रेश वाटर फिश, ये फ्रेश वाटर में रहती है, इज ऑल्सो कीप इन एक्वेरियम, एक्वेरियम में भी इसको रखे जाते हैं। मेल्स टेंड टू हैव मोर वाइब्रेंट कलर देन फीमेल, और जो मेल फिश होती है ना इन स्पेसीज की, वो ज्यादा अलग अलग डिफरेंट कलर में देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, तो थर्ड वाले का आंसर जो होगा वो होगा हमारा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गप्पी, GUPPY, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GUPPY, ये हो गया हमारा थर्ड वाले का आंसर। फोर्थ वाला देखें, तो इट हैज स्मॉल आइज, इसमें देखो ये छोटी छोटी आंख होती हैं, गैलेंटिनियस अपीयरेंस होता है, लार्ज माउथ, बड़ा मुंह होता है, एंड अ रिलेटिवली स्मॉल बॉडी, पर एज कम्पेयर टू माउथ उसकी बॉडी जो रहती है स्मॉल रहती है ना, फिन टू गो विद इट, है ना। इट लिव्स इन अ डीप वाटर, गहरे पानी में रहती है, और
जस्ट ऑफ द ओशियन फ्लोर अराउंड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाई जाती है, टेस्मेनिया में भी ये वाली फिश पाई जाती है। तो फोर्थ नंबर का ये जो आंसर है, ये जो आंसर होगा इसका, इसको देखो हम यहाँ नीचे देख देते हैं, इसका ब्लॉब फिश है, ब्लॉब फिश है ना, जो बी एल ओ बी, बी एल ओ बी एफ आई एस एच, इसका आंसर है बी एल ओ बी एफ आई एस एच, ठीक है। तो ये फोर्थ का आंसर। फिफ्थ का देखते हैं, जो फिफ्थ वाला है, इट इज फाउंड इन शैलो वाटर इन सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कहाँ पर, शैलो वाटर में पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन वर्ल्ड के में। इट हैज द लॉन्ग फ्लैटेंड हेड ऑफ द बॉडी, है ना, लॉन्ग फ्लैटेंड हेड होता है, बिल्कुल फ्लैट हेड होता है इनका। इट हैज एलॉन्गेटेड स्नाउट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ लॉन्ग, देखो ये दिख रहा है ना इनकी, इसकी एक तरीके से बोल सकते हैं नाक वगैरह है, जो बहुत लंबी होती है। फ्लैटेंड ब्लेड एज टू द स्ट्रॉन्ग टीथ, है ना, और काफी स्ट्रॉन्ग टीथ वगैरह भी होते हैं। तो फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है देखो इधर पे हेल्प बॉक्स है ना, सॉफिस, एस ए डब्ल्यू एफ आई एस एच, एस ए डब्ल्यू एफ आई एस एच, है ना, सॉफिस। फाइव भी हो गया। सिक्स वाला देखें तो देखो इसमें क्या लिखा है, ये वाली अगर आपने नीमो पिक्चर देखी हो, है ना, नीमो, उसमें ये वाली फिश हमें देखने को मिलती है ना, तो इसको बहुत अच्छी फिश है वो मूवी, अगर आप देखो तो बिल्कुल देखना वो नीमो जो मूवी है। बेस्ट नोन फॉर इज बीइंग फ्यूचर्ड इन द मूवीज, है ना, ओहो यहाँ पे लिखा भी था फाइंडिंग नीमो, ओके नेम जो था उसका फाइंडिंग नीमो, है ना, तो इस मूवी में हमें देखने को मिलती है। एंड फाइंडिंग डोरी, उसी का दूसरा पार्ट, फाइंडिंग डोरी में भी हमें ये फिश देखने को मिली थी, ये मूवी का नेम है। दिस फिश हैज बिकम अ पॉपुलर एक्वेरियम पेट, है ना, इसको एक्वेरियम में रखा जाता है, जितनी पॉपुलर है ये एक्वेरियम में रखने के लिए। इट इज फाउंड इन द कोर रिफर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया या साउथ ईस्ट एशिया में हमें ये देखने को मिलती है। तो इसका जो नेम है, इसका जो नेम है इधर देखो हेल्प बॉक्स में, क्लाउन फिश, सी एल ओ डब्ल्यू एन, सी एल ओ डब्ल्यू एन एफ आई एस एच, क्लाउन फिश इसका नेम है। तो सिक्स्थ हो गया, अब हम देखते हैं सेवेंथ वाला, और ये देखो कितनी खतरनाक दिख रही है सेवेंथ वाले में। इट इज डीप सी ड्वेलिंग फिश फाउंड ऑन द डेप्थ ऑफ एटलीस्ट 6,600 फीट, इतनी गहराई पे देखने को मिलती है डीप ड्वेलिंग फिश, है ना, काफी गहराई पे देखने को मिलती है। वेयर सनलाइट इज कम्प्लीटली एब्सेंट, जहां तक सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंच पाती, इतनी गहराई में समुद्र की ये देखने को मैं मिलती है। और इसे, इसका बहुत बड़ा माउथ और स्टोमक होता है, लॉन्ग पॉइंटनी टीथ होते हैं, बहुत ही शार्प टीथ होते हैं इसके, इन ऑर्डर टू कैप्चर द स्वेलो द एनीथिंग इट फाइंड, और किसी को भी जो भी दिखता है ये खा जाती है उसके लिए। तो सेवेंथ का है देखो, ये एंग्री टाइप की दिख रही है ना, बिल्कुल गुस्से में, तो एंगलर फिश इसका नाम होता है, ए एन जी एल ई आर, ए एन जी एल ई आर एफ आई एस एच, एंगलर फिश, ठीक है। अब देखते हैं एट्थ वाला, फाउंड ऑन ट्रॉपिकल लीव्स, इट इज एलॉन्गेटेड यूजुअली ब्लंट हेड, ये देखो ब्लंट हेड टाइप का है, एंड डीप बॉडीज, है ना, ब्लंट हेड और डीप बॉडीज है इसकी, इज ऑफ्टन वेरी ब्राइट, जो बिल्कुल लाइट कलर होता है, वेरी ब्राइट कलर होता है इसका। इट हैज अ बर्ड लाइक बीक, बर्ड जैसी इसकी बीक होती है, फॉर्म्ड बाय फ्यू टीथ एंड जॉब्स, है ना। तो इसका नेम जो हमारा लास्ट बचा होगा ना, देखो ये पैरेट की तरह दिख रहा है ना हमारे लिए, इसलिए इसका नेम क्या है, पैरेट फिश, पी ए डबल आर, थोड़ा सा हमें ये वर्ड की तरह भी दिख रहा है, पैरेट फिश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर एट्थ वाले का। अब अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, है ना, इसी चैप्टर में जो फोर्थ चैप्टर है यूनिट वन का, इसी में क्या दिया हुआ है हमारे लिए, ये भी दिया हुआ है ना, तो हमें इनमें नेम लिखने हैं इन फिशेस के, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम फिश का नेम देखें, देखो ये जो फिश है इसका नेम क्या होगा, अगर आपने देखी हो फिश, इसका नाम होता है टेंगरा, टी ई एन जी आर ए, है ना, क्या होगा, टी ई एन जी आर ए, ठीक है, टेंगरा। अब सेकंड वाली अगर आप फिश देख रहे हो तो देखो इसमें ये वाली जो फिश है इसका नेम क्या होता है, इसका होता है सुरमई, S U R M A I, इसका नेम ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सेकंड वाले का आंसर। अब थर्ड वाला देखते हैं, तो थर्ड वाले में इसका देखो ये वाली फिश अगर आपने देखी हो तो इसका नाम होता है पेपलेट, P A P L E T, ठीक है, P A P L E T।
इसके बाद फोर्थ वाला देखें तो इसमें जो फोर्थ वाली फिश है इसका नेम है हमारा रोहू, ROHU। क्या नेम है इसका? रोहू, ROHU। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ वाली जो है तो इसमें इसका नेम है मैंगूर, MANGUR, मैंगूर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला। अब लास्ट में जो ये फिश बची हुई है इसका नेम क्या है हमारा? इसका हिल्सा नेम है, HILSA, हिल्सा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ हमारे ये वाला सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट। ठीक है, ये सारी फिशेज के नेम हमने लिख लिए। ठीक है, अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाकी सारी वीडियोस की लिंक की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सेपरेट प्लेलिस्ट भी है, वहां पे भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिकली हमारा क्या हो गया है, टर्म वन का यूनिट वन कंप्लीट है ना, क्योंकि हमने चार के चार चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टर्म टू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट टू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि पेज नंबर हमारा होगा 10, है ना, क्योंकि हम पेज वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।